भाई हिटलर ने स्वास्थ्य का चक्कर क्यों अपनाया था? हिटलर भी विश्व के ऊपर बादशाह ही चाहता था। इतना तो ज्ञान उसको भी हुआ कि भारत में चार युग मानते हैं, चार युगों में सारी शक्ति घूमती है और हम सारी सृष्टि के ऊपर राज्य करेंगे। परंतु रास्ता गलत अपनाया। कौन सा रास्ता गलत अपनाया? हिंसा का रास्ता अपनाया। हिंसा से कोई सारी दुनिया को नहीं जीत सकता। सारी दुनिया के वो अगर जीतना है तो उनके दिलों पर राज्य करना पड़ेगा। दिल को जीतना ही जीतना है, उससे सुख की दुनिया बनती है। जोर जबरदस्ती जो की जाती है उसमें दुख की दुनिया बनती है। बाहर से भले कोई सर झुका भी दे लेकिन अंदर अंदर गंदे वाइब्रेशन छोड़ता रहेगा, विरोध करता रहेगा। तो वाइब्रेशन में ज्यादा ताकत होती है या वाचा और कर्मणा में ज्यादा ताकत होती है? एक दिन उसके वाइब्रेशन ही काम में आ जाएंगे। नालंदर कौन था? विष्णु बिंदा को पतिव्रता दगाया है कब? उसका नाम ही है जलंधर। क्या धारण कर लिया? जैसे कहते हैं गंगाधर, क्या धारण कर लिया? गंगा को धारण कर लिया, गंगा को धर के बैठ लिया। ऐसे ही जलंधर जल को धारण करके बैठ गया। सारा ज्ञान जल उसने धारण कर लिया। कब? जबकि ऐसी सुयोग्य उसको पत्नी मिली, पवित्रता को पालन करने वाले। इसलिए कहते हैं स्त्री अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बना दे, और स्त्री अगर उल्टा हो तो घर को नरक बना दे। विष्णु ने बिंदा को पौष्टिक प्रसाद दगाया बोल रहा है शास्त्रों में। बिंदा को विष्णु ने पौष्टिक प्रसाद दगाया है कैसे? लेकिन वो डरी तो नहीं? वो एक ही कथा कहानी को अनेक रूप में कह देते हैं। पार्वती को भी सप्त ऋषियों ने जाकर के डराया। तो जो सच्चा होगा, दिल के अंदर से सच्चा होगा, वो डरेगा क्या? वो नहीं डरता। पशुपति का जो मंदिर है उसका क्या रहता है? पशु तो जानवर को कहते हैं। सारी दुनिया क्या है अभी? बाप कहते हैं पशुओं से भी बदतर है। अभी तुम बंदर से भी बदतर बन गए। तो ऐसे पशुओं का पति माने रक्षा करने वाला है ना, पशुओं को भी ठिकाने लगाने वाला है। इसलिए पशुपति नाथ यादगार प्रसिद्ध है। क्या नेपाल में यादगार बनी हुई है? सारी दुनिया में जितने भी विधर्मी हैं वो सब पशु है। ब्रह्मा बाबा को भी क्या दिखाते हैं? बैल के रूप में। तो पशु हुआ ना। कोई बैल का पार्ट बजाते हैं, कोई घोड़े का पार्ट बजाते हैं, कोई हाथी का पार्ट बजाते हैं। ये संसार रूपी जंगल है,
इस जंगल में भांति भांति के पशु रहते हैं, उन पशुओं को नाथ लेने वाला है। जैसे स्त्रियों को क्या डालते हैं, नथनिया डालते हैं, बैल को नाथ डालते हैं तो कंट्रोल में आ जाता है। तो ऐसे ही इन पशु जैसा आचरण करने वाले मनुष्यों को कंट्रोल करने का काम पशुपति नाथ ने किया है, और ये यादगार नेपाल में दिखाई गई है। और चंद्रवंशी हैं, इस्लामवंशी हैं, बौद्धिवंशी हैं, क्रिश्चियन वंशी हैं, इनका ये काम नहीं है कि सारी दुनिया में जो भी जानवर हैं उन सबको कंट्रोल कर लें। नहीं, ये सिर्फ पशुपति नाथ का ही यादगार है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बाबा नेपाल वाले ज्यादा बलि चढ़े होंगे है? हाँ? छोटे छोटे बच्चों को भी बलि चढ़ाना सिखाते हैं, खोखरी हाथ में देकर के। हाँ? बाबा भक्ति महाराज जी यमराज जो सहित कर आते हैं, कहते हैं सबको यमराज ले जाते हैं, यमराज का दूसरा शब्द है धर्मराज, या धर्म का राजा माने धारणाओं का राजा। जो धारणाओं का राजा है वो अपने यज्ञ में कौन सी आत्मा है जो धारणाओं का राजा है? ब्रह्मा बाबा की टोल है, ब्रह्मा बाबा की टोल ये पार्ट बजाती है अंत में। उन्होंने प्यार भी तो बहुत ज्यादा किया है, जिन बच्चों को बहुत प्यार किया है, और उन्हीं बच्चों ने पशु बन करके उनको पशुओं की तरह दुख दिया है, उन्हीं का हाथ फेल कर दिया। तो ऐसे बच्चों से हिसाब किताब कब पूरा करेंगे? सतयुग में तो हिसाब किताब पूरे होते नहीं, तो कहाँ हिसाब किताब पूरा करेंगे? यही संगम युग पर हिसाब किताब पूरा करते अच्छी तरह पिटाई धुलाई करेंगे। धर्मराज यमराज बन के बाबा राजा हरिश्चंद्र को चंडाल से घर नौकरी करनी पड़ी, यहाँ संगम युग में कैसे चली होगा? यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा गरीब थी या साहूकार थी? गरीब थी। और ब्रह्मा बाबा साहूकार थे। फिर अगले जन्म में राम वाली आत्मा आकर के गरीब क्यों बनती है? गरीबी का पार्ट तो पिछले जन्म में पूरा हुआ, ब्राह्मण बन गए, तो गरीबी तो खत्म हो जानी चाहिए। फिर अगले जन्म में आकर के गरीब क्यों बने? जरूर कुछ ब्रह्मा बाबा के साथ हेरा फेरी हुई है, इसीलिए बाप बोलते हैं राम फेल हो गया। सती देवी दस्य प्रजापति को यज्ञ में हम भाली थी हैं? सती देवी दस्य प्रजापति को यज्ञ में हम भाली थी। हम भाली मतलब यज्ञ विध्वंस कर दिया, कूद गई मार एक ने उसको, उनको सबको कंधे में लेकर पृथ्वी भ्रमण किए, उनको देवान आ गया। महादेव को भी देवान आ सकता है कि नहीं आ सकता है? इसी तरह देवताओं में महादेव, देवताएं तो बहुत सी आत्माएं बनती हैं, लेकिन जो देवताएं बनने वाले हैं वो मनुष्य से देवता बने हैं या हमेशा देवता थे? तो महादेव पहले मनुष्य रहे होंगे ना, मनुष्य से वो भी तो देवता बने ना। तो जो मनुष्य थे उनके अंदर देह अभिमान होता है या नहीं होता है? बल्कि जो मनुष्यों का बाप होगा वो तो और सबका बाप है, उसमें सबसे जास्ती देवान होना चाहिए। तो देवान की गति दिखाई गई है,
कि और मनुष्यों में इतना देहवान नहीं होता है, लेकिन उनमें तो इतना देहवानता है कि सती के सबको लेकर के सारी दुनिया में डोले डोले फिरे। जैसे बंदर ही होती है ना, बच्चा मर जाता है तो एक महीने तक उसकी खाकर क्या शरीर से चिपकाई रहती है, इतना देहवान था। बाबा अभी मनु को 7-8 जनों ने घेर के मारा, कैसे अगर पूरा ज्ञान नहीं लेंगे, पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे तो घेर घेर के मारे जाएंगे। इसलिए पूरा ज्ञान उठाना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं अधूरा अधूरा ज्ञान उठा लिया, पूरी भट्टी करनी चाहिए, पूरा कोर्स करना चाहिए, विधि विधान पूर्वक जैसे बाबा बताते हैं वैसे ज्ञान को उठाना चाहिए। इतने नशे में थोड़े ही रहना चाहिए कि हमारा मामा भगवान है, इससे थोड़े ही काम चल जाएगा है। हमारा बाप अर्जुन है, इससे नशा इस नशे से काम चल जाएगा नहीं। अरे ये भगवान के सामने ये पक्षपात नहीं चलता है। भगवान तो कहता है जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी प्राप्ति करेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो गवाही करेंगे। बाबा टीवी से भी वाइब्रेशंस मिलते हैं क्या? जब जड़ चित्रों से वाइब्रेशन मिल सकते हैं, मंदिरों में जड़ चित्र खड़े होते हैं ना, स्थिरित तो होते हैं, उनसे भी वाइब्रेशन मिल सकते हैं। तो जो चल चित्र है बोलता चालता है एक्टिंग करता है, उसे वाइब्रेशन नहीं निकलेंगे, उससे तो और ज्यादा वाइब्रेशन निकलते हैं। बाबा टीवी में देख के याद करना तो फिर ज्यादा अच्छा है। भले ज्यादा अच्छा है, लेकिन जब सन्मुख को मिलता हो तो टीवी जड़ को क्यों देखेगा कोई? है जो मजबूर है, मतलब जो बंधन में है उसके लिए है, जो बंधन में है साकार को नहीं मिल पाते, साकार से नहीं जा पाते। बंधन वालों में ज्यादा ताकत होती है याद की, जो निर्बंधन है उनमें ज्यादा याद की ताकत होती है। बंधन वालों की याद निरंतर हो जाती है, इसलिए वो ज्यादा ताकतवर है। ये रोना रोने की कोई बात नहीं है, सारी सृष्टि गुण दोषमयी है। एक तरफ गुण है तो दूसरी तरफ अवगुण भी है, एक तरफ अवगुण है तो दूसरी तरफ गुण भी है। बांधेलिया भी किसी से कम नहीं है, उन्होंने बंधन में पिछले जन्म में डाला होगा। जब पिछले जन्म में राजा बने होंगे दाढ़ी मूंछ वाले तो खूब बंधन में डाला होगा। तो बंधन में डाला है तो बंधन सहन करने में क्या हो जाए? इस जन्म में तो और सहज हो जाता है कि हमको बाप मिल गया। जब बांधेरियों ने पूर्व जन्म में बंधन में डाला था उस समय तो उनको बाप भी नहीं था। बाबा साल में एक बार लक्ष्मी की पूजा होती है दीपावली में, हर दिन नहीं होती, ये कब का इशारा है? ठीक है, जगदम्बा है, महाकाली है, और जो देवियां हैं उनकी पूजा होती रहती है, साल में 2-2 बार भी होती है, 9-9 दिन होती है, लेकिन लक्ष्मी की पूजा सिर्फ एक बार ही एक ही दिन होती है। और लक्ष्मी जो है वो क्या देती है? स्थूल धन देती है क्या? दुनिया वाले तो समझते हैं कि स्थूल धन देती है, स्थूल धन तो नहीं देती। कौन सा धन देती है? ज्ञान धन देती है। और वो अपनी जेब में से देती है क्या? है लक्ष्मी को ये भी देह अभिमान नहीं है कि हम अपना धन दे रहे हैं अपने जेब का, वो तो निरभिमानी पार्ट है कि बाप ने हमको जो दिया वो हम दूसरों को बांटते हैं, हमारे पास देने लायक कोई चीज है ही नहीं। जगदम्बा से सब मनोकामनाओं की प्राप्ति करते हैं, अच्छी मनोकामनाएं की भी प्राप्ति करेंगे, बुरी मनोकामनाओं की भी प्राप्ति करेंगे, क्योंकि वो तो जगत की अम्बा है, मुसलमानों की भी अम्बा है, क्रिश्चियंस की भी अम्बा है, बौद्धियों की भी अम्बा है,
सारे जगत की अम्बर, अच्छे बच्चों की भी माँ है और बुरे बच्चों राक्षसी बच्चों की भी माँ है। राक्षसी बच्चों को भी उसको संतुष्ट करना पड़ता है, लेकिन लक्ष्मी जो वैसे भी शक्ति है, जो विष्णु देवता है, वो सिर्फ देवताओं को संतुष्ट करता है, देवताओं को वरदान देता है। क्यों देता है? और सिर्फ एक बार वर्ष में, कब? जब कल्प पूरा होता है तो कल्प के अंत में लक्ष्मी आकर के सबको धन से सराबोर कर देती है। तो भगवान की दी हुई चीज देना वो अच्छी बात है, ये अपनी कमाई हुई चीज देना बच्चों को, दूसरों को देना अच्छी बात है? भगवान की जो चीज हम देन दे रहे हैं वो उसी से दुनिया का कल्याण होना है, हमारी कमाई से थोड़ी दुनिया का कल्याण होना है। हमारे पास है ही क्या सिवाय कसोपन के? मनुष्यों के पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान जो चीज देता है वो क्या देता है? परम नाम से धन संपत्ति लाके देता है क्या? बाल बच्चे लाके देता है क्या? क्या देता है? ज्ञान धन देता है। तो लक्ष्मी ने ज्ञान धन की कदर की और लंबे समय तक पुरुषार्थ नहीं करती है ऐसा, थोड़े टाइम के लिए वो पुरुषार्थ है ज्ञान धन बांटने का। प्योरिटी की पावर से जो धन दान दिया जाता है उसमें सात्विकता होती है। इम्प्योरिटी से जो भी काम किया जाएगा दुनिया का वो सात्विक नहीं होता है, तामसी हो जाता है। बाबा जो घर मकान बन रहे हैं विनाश होगा तो वो सब मकान नहीं गिरेंगे क्या? क्यों? माउंट आबू बचा रहेगा? माउंट आबू तो महा मधुबन है, फरुखाबाद में तो मिनी मधुबन है। तो जब महा मधुबन ही नहीं बचेगा तो छोटी छोटी मिनी मधुबन बचे रहेंगे है? क्यों बनाया जा रहा है? क्यों बनाया जा रहा है? पुरुषार्थ कहाँ करेंगे बच्चे? बच्चे पुरुषार्थ कहाँ करेंगे? बाबा के पास तो कोई दूसरा और मकान है ही नहीं, अपना सब दूसरों के दिए हुए हैं। बाबा का अपना घर जो है कहलाने लायक, या तो वो कंपिल में है या तो दिल्ली में है। दिल्ली में भी पैतृक संपत्ति नहीं है, तो दूसरों का दिया हुआ पैसा है उससे बनाया गया। विदेशियों ने बाप से पूछा, बाप दादा से, कि विदेश में बाप दादा आवेंगे? तो बाप दादा ने जवाब दिया, जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बना देंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। क्या? तो अब वो चाहे गीता पाठशालाएं हो और चाहे वो मिनी मधुबन हो, आज नहीं तो कल जब चारों तरफ संसार में आवाज फैलेगी तो गीता पाठशालाओं में भी भीड़ लगेगी या नहीं लगेगी? ऑटोमेटिक मिनी मधुबन हो जाएगी। गीता पाठशाला के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? सच्चा सच्चा पुरुषार्थ करो, सच्ची सच्ची लक्ष्मी बनो, सच्चे सच्चे नारायण बनो। गीता पाठशाला होने का मतलब खुलने का अभिप्राय कुछ है ना? सभी अभिप्राय ये है, अभिप्राय ये है कि ये कोई संन्यास आश्रम नहीं है। क्या रूल्स? यही रूल्स हैं कि लक्ष्मी नारायण जैसा जीवन बनाना है और दूसरों का भी लक्ष्मी नारायण जैसा बनाना है और अपने को भी लक्ष्मी नारायण जैसा जीवन बनाना है, ये हमारा लक्ष्य है। बाबा का झंडा नहीं रखते हैं? बाबा का झंडा जो रखते हैं, बाबा का झंडा कौन सा है? 32 गुण वाला। 32 गुण बिंदी में होते हैं या गुण अवगुण साकार में होते हैं? तो ये तो विदेशियों का झंडा हो गया या स्वदेशियों का झंडा है? 32 गुण जो दिखाए हैं वो बिंदी को दिखाए दिए। अब बिंदी अवगुण और गुण होते हैं उसमें क्या? गुण तो साकार में होते हैं, अवगुण साकार में होते हैं। तो जो 32 गुण दिखाए गए हैं वो 32 गुण
जब वो निराकार ज्योति बिंदु मुकर रथ में प्रवेश करता है तब वो 32 गुण संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। नहीं तो झंडा सिर्फ बोलने और दिखाने के लिए है, उसका अर्थ कुछ भी नहीं निकलता है। बाबा जिस घर में स्थापना होती है उसी को गीता पाठशाला और सेवा स्थान में जो गीता बहु रहता है उसमें सेवा स्थान और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में गंध होना चाहिए। फिर बस ये सबको तो फिर निकाल भी तो नहीं सकते हैं, जैसा कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, निकाल दिया। हाँ? निकाल खुद निकल गए, ब्रह्मा खुद निकल गए, निकाल दिया। बात हमारी नहीं मानते, हमारे रास्ते पर नहीं चलते, बच्चा बच्चा नहीं। बाबा अब हम लोग तो ये है ना ऐसी कलयुग में है जैसा कि वो ब्रह्मा बाबा कलयुग में नहीं थे, सतयुग में थे। बच्चे सबको तो निकाल नहीं सकते, जिस साल की हो जाएगी जो करेगा तो पाएगा, जो हिम्मत करेगा तो बाप मदद करेगा। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। जो नहीं करेगा तो दुनिया को भी चेंज, जो अपने घर को ही चेंज नहीं कर सकता, अपने घर को ही नहीं पलट सकता, वो दुनिया को कैसे पलटेगा। बाबा अब बाबा भी तो विकार से जन्म लिया है। बाबा विकार से जन्म लिया तो ये कैसे कहते हैं कि बाबा ने विकार से जन्म लिया। बाबा ने मुख से जन्म लिया, ब्रह्मा बाबा ने मुख से जन्म लिया या विकार से जन्म लिया। तो मुखवान बेबली हुआ, विकार से जन्म कहाँ हुआ। शरीर जो है ना वो तो विकार से तो हुआ ना। शरीर भले विकारी है तो लेकिन शरीर जो विकारी है उस विकारी शरीर को भी श्रीमत पर चलाया उन्होंने या मनमत पर चलाया। श्रीमत पर चलाया तो मुखवान बेबली हुआ ना, ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल गया ना। ज्ञान मिलने के बाद ही तो परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता। तो अभी अभी ज्ञान मिल गया ना, हमें ज्ञान मिल गया कि हंस बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते, हंस भी रहे और बगुले भी रहे। बगुले उसी मंदिर में गंध भी करते रहे और हम लक्ष्मी नारायण का मंदिर का बनाते रहे, बनेगा कि वाइब्रेशन खराब होते रहेंगे। वो उस पुरातन नियम में नहीं रहते हैं तो नहीं रहते, तो खोलने की जरूरत क्या है, न खोलो। ऐसे नहीं है जो जो है ना ऐसा सेवा वो उन लोग भी करते हैं। कौन लोग, इनका कहने का बेटा कौन को मतलब कि जहाँ युगल ज्ञान में चलते हैं और वहाँ चारों तरफ भाई बहन ज्ञान में निकले हैं और पूरा मतलब पहले से बेसिक से गीता पाठशाला का वातावरण है, बेसिक की गीता पाठशाला का जो है जो वातावरण है वो तो कंट्रोल्ड हो रही है सन्यासियों के द्वारा है ना। जैसे ये युगल घर में है तो अगल बगल में मान लो 15-20 आत्मा अभी निकली है और वो डेली क्लास और सीधी मुरली चल रही है, लेकिन बेटा वो भी क्लास ज्ञान में अभी चल रही है, लेकिन तुरंत वो पूरे धारणा पर नहीं है। तो ये कौन कह, ये कौन कह रहा है कि ब्रह्मा बाबा ने तुरंत ही चेंज कर दिया। तो उन्होंने कहा हम क्या जब तक गीता पकड़ पूरी नहीं बन जाती है, गीता पकड़ ना करके खाली सेवा मतलब सेवा संगठन करते बच्चों को संगठन करे क्लास मुरली करे तो मना कहा है, वो हो सकता है ये किसी को ज्ञान देना थोड़ी मना थोड़ा ही है। गीता पाठशाला जो है वो तभी कही जाती है जबकि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने जैसा कर रहे हैं, नहीं तो गीता पाठशाला नहीं है। युगल भी हो, युगल भी हो और घर का वातावरण भी पवित्र बना, चाहे वहाँ कोई भी रहे मतलब लक्ष्मी नारायण युगल। भक्ति मार्ग में जो भी यादगार बने हुए हैं वो यादगार कहाँ के हैं, संगमयुग के यादगार है ना। गीता मंदिर बने हुए हैं वो भी संगमयुग के यादगार है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हुए वो भी संगमयुग की यादगार है। वहाँ कोई गंध करता है क्या, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हाँ तो यहाँ भी ऐसे ही करना है, तो कोई भी हो मतलब वो कोई भी हो तो कहीं भी हो तो सेवा करने के लिए मना तो नहीं है। सेवा सेवा आदमी अपने घर में रह करके नहीं कर सकता, वही बात है। गुलराज दादी के तरह महेश्वर अगर नहीं आते ब्रह्मा आते इस बात को कैसे प्रूफ और विश्वास किया, इस बात को कैसे विश्वास किया जाए, प्रूफ दिया जाए। क्योंकि मुरली तो चलती है, पावर की चलती है। जो मुरली चलती है वो धारणा की मुरली चलती है या ज्ञान की मुरली चलती है। जो मुरली हम सुनते हैं गुलजार दादी के मुख से उसमें धारणा के महावाक्य ज्यादा होते हैं या ज्ञान के महावाक्य हैं। धारणा है, धारणा
देवता वाली आत्मा सुनाएगी धारणा की बातें, या आसुरी आत्मा सुनाएगी, या मनुष्य धारणा की बातें सुनाएगा? देवात्मा ही सुनाएगी। तो ब्रह्मा बाबा देवात्मा है कि नहीं दुनिया की पहले नंबर की? तो क्या सुना लेगी? धारणा के पंड सुनाती है। इससे साबित होता है कि शिव बाबा उनमें दही आते हैं। कौन आता है? जो देवताओं में धारणा करने वाली अव्वल नंबर आत्मा है वो आती है। और ब्रह्मा बाबा में जब प्रवेश करते थे शिव बाबा, तो ब्रह्मा बाबा को अपनी स्मृति रहती थी या नहीं रहती थी? रहती थी। और गुंजा दादी को अपनी स्मृति नहीं रहती? कोई भी मनुष्य मात्र में कोई भूत प्रेत जब प्रवेश करता है तो उसे अपनी स्मृति नहीं रहती। इससे क्या साबित हुआ कि मनुष्य आत्मा प्रवेश कर रही है या शिव बाबा प्रवेश कर रहा है? मनुष्य आत्मा प्रवेश कर रही है। ब्रह्मा बाबा जो है वो मनुष्य आत्मा है, देव आत्मा है। और शिव बाबा न मनुष्य है, न देवता है, न राक्षस है, वो तो भगवान है। और कैसा भगवान आत्मा है, उसको कोई मान मर्तबे की दरकार नहीं। वो भी बातें 70 साल पहले भी सुनाता रहा, वो ही बातें अभी भी सुना रहा है। उसको कभी गुस्सा ही नहीं आता कि बच्चे मेरी बात ही नहीं मानते। नहीं, आज के मनुष्यों को तो कितना क्रोध आ जाए, है 70 साल से मैं बताता चला आ रहा हूँ, मेरी बात नहीं मानते। मनुष्य आत्माएं देव आत्माएं मान मर्तबा चाहती है, बुलाने से आती है। ब्रह्मा बाबा भी बुलाने से आते हैं, आह्वान किया जाता है या बिना बुलाए आ जाते हैं? बुलाने से आते हैं। और शिव बाबा बिना बुलाए ब्रह्मा में आ जाते हैं? अभी भी अभी बुलाने से आते हैं, अपने आप आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। ब्रह्मा बाबा होते हुए मुरली कहते हैं अभी ब्रह्मा की सोल जो है वो अपना साकार शरीर छोड़ चुकी है ना, तो साकार शरीर इन आँखों से दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं व्यक्त, और जो इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं अव्यक्त। तो ब्रह्मा बाबा का जो सूक्ष्म शरीर है वो आँखों से दिखाई पड़ता है, इन आँखों से दिखाई पड़ता है, इसलिए अव्यक्त है। बुजार दादी ने अव्यक्त बाप दादा आते हैं। बाप इसलिए कहा जाता है कि जब गुलजार दादी में प्रवेश करती है ब्रह्मा की सोल तो निरंतर याद में रहती है। बाबा भी मुरली में यही बात कहते हैं कि तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ब्रह्मा बाबा की वाणी जब तक चलती है गुलजार दादी में, याद की स्टेज में रह करके चलने के कारण शिव बाबा जैसे कि उनके साथ ही हैं, बाकी प्रवेश नहीं है। अब गुलजार दादी तो जन्म से ही पवित्र कन्या है, या घरगृहस्थ में पली हुई कोई अपवित्र कन्या है? आज के घरगृहस्थ के जीवन में तो कह सकते हैं कि अपवित्रता होती है, लेकिन आश्रम के पवित्र वातावरण में पली हुई कन्या वो अपवित्र कहां से हो गई? और शिव पवित्र चोली में प्रवेश करते हैं कि अपवित्र में पति कन्या आते हैं। गुलजार दादी को कौन कहेगा कि ये अपवित्र है? किसी में साहस है? पवित्र कन्या को अपवित्र कैसे कोई कह देगा? बाबा, इस मुरली में बाबा ने कहा है कि ज्ञान ही श्रीमत है, इसका सही अर्थ क्या है? ज्ञान, जानना, ज्ञान माने जानकारी। काय की जानकारी? सच्चाई की जानकारी या झूठ की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। तो सत्य जो भी है वो बाप आकर के सुनाते हैं। सत्य चित्त आनंद बाप, क्या सुनाते हैं? सत्य सुनाते हैं। वो है ही सदगुरु, और गुरु हैं, और वो सदगुरु। इसका मतलब और गुरु सब झूठे हैं,
एक ही सदगुरु है, वो आकर के सच्ची बात सुनाते हैं, इसलिए वो ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। भगवान बाप ने आकर जो सुनाया सो ज्ञान, और मनुष्य गुरुओं ने जो सुनाया वो सब अज्ञान। भगवान नव दुर्गा भवानी, एक देवी का नव नाम कैसे हुआ? एक देवी की नौ नाम नहीं है, वो यहाँ की यादगार है। यहाँ ओम राधे मम्मा वो ही वास्तव में देवी है, और ब्रह्मा बाबा वो ही वास्तव में देवता है। शशि का पहला पत्ता मम्मा और बाबा, वो देवता है ना साई शशि के पहले। तो जो पहला देवता है शशि की पहली देवी है, वो ही अब शरीर छोड़ करके जिन बच्चियों में नौ में प्रवेश करते हैं वो ही अष्टदेव है, और वो ही अष्टनव देवी है। देवी एक ही है लेकिन चोले अलग अलग हैं। तो जैसा चोला, जैसी भाषा, जैसे वाइब्रेशन, जैसे उनके स्वभाव संस्कार, वैसा उनका पाठ चलता है। पुरुषार्थ सबका अपना अपना अलग अलग है। एक देवी देवता का पुरुषार्थ दूसरे देवी देवता से मिल नहीं सकता। और हाँ जी, काम की दो पत्नियाँ थी ना, एक घर वाली एक बाहर वाली। कलकत्ते में ये चलन थी। कलकत्ता दुनिया का बड़े से बड़ा वैश्यालय माना जाता है, तो वहाँ एक पत्नी नहीं मानते, उससे पेट नहीं भरता। कोई 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 चार चार पत्नियां भी होती थी, चार चार मकान बना के देते थे। तो दो की बात आई है। तो ब्रह्मा बाबा की जो दीदी थी वो घर वाली थी कि बाहर वाली थी? ब्रह्मा बाबा की बच्ची को किसने पाला? उनकी दीदी ने पाला ना। तो जिस दीदी ने पाला वो दीदी ब्रह्मा बाबा की बहन थी, बड़ी बहन। आखिरी जीवन में ब्रह्मा बाबा का ज्यादा प्यार किससे था? अपनी दीदी से ज्यादा प्यार था या दूसरी माता से ज्यादा प्यार था? तो उन्होंने साक्षात्कार की बात किसको बताई होगी? उनका दिल ज्यादा खुला हुआ किससे था? अपनी दीदी से ज्यादा खुला हुआ। बहनोई से इतनी हिम्मत नहीं थी बात करने की, तो बहनोई को नहीं बताया, क्योंकि बहनोई उनसे उम्र में भी ज्यादा था। बहन को बताया, इसी साबित हो जाता है कि जब षष्ठी का आदि था तो ये दोनों आत्माएं लक्ष्मी नारायण के रूप में एक दूसरे के विष्णु स्वरूप स्वभाव संस्कार मिलाने वाली आत्माएं थी। षष्ठी के आज में सो अंत में भी, अंतिम जीवन में भी ब्रह्मा बाबा की युगल जो है यशोदा, उनसे संस्कार नहीं मिलते थे। तो यशोदा को यज्ञ का इंचार्ज नहीं बनाया। किसको बनाया? ओम राधे मम्मा को, जिससे संस्कार मिलते थे उसको बनाया। तो बाबा वो तो पहले सुनने सुनाने वाली हो गई ना। कौन? मैंने साक्षात्कार सुनाया तो उसने किसको सुनाया? अपनी दीदी को बोला ना बाबा। नहीं, जो अच्छी माताएं होती हैं वो अपने पति को संतुष्ट करना चाहती हैं या खुद संतुष्ट होना चाहती हैं? है? अगर पति की इच्छा है कि हम दूसरी शादी करें, तो जो अच्छी पत्नी होगी वो पति को सहयोग देगी या अपनी चलाई है दूसरी शादी क्यों कर रहे? सौतिया डा होगा उसमें? सौतिया डा होने का सवाल ही नहीं। तो वो तो उनको मान्य मानती थी। बाबा भी मुरलियों कहते हैं कि अगर तुम्हारा पति ज्ञान में नहीं चलता है, कहता है हम दूसरी शादी करेंगे, तो खुशी खुशी उसको परमिशन दे दो। हाँ, तुम दूसरी शादी कर लो, हमको परमिशन ले दो, उसकी सेवा करो, दासी बन जाओ कि हम उसकी दासी बनकर के उसकी सेवा करेंगे, हमको तुम पवित्र रहने दो। और वहां तो बनी बनाई बात थी। तो
लक्ष्मी का पाठ बजाने वाली वो आखिरी जीवन में भी ऐसे पवित्र संस्कारों वाली थी कि अपने पति को सहयोग देना है कोई भी हालत में, तो दूसरी पत्नी को रिगार्ड से रखेगी या डिसरिगार्ड करेगी? रिगार्ड से रखा है, उसने जो सुना सो उसको बताया, दूसरी को बताया, दूसरी को बताया, और दूसरी जो थी वो ज्यादा मुंह लगी थी किसके साथ? नहीं, राम वाली आत्मा के साथ ज्यादा जो मुंह लगी होती है वो तो वाचा की देवी होगी ना। तो वाचा की देवी का काम क्या है? कान से सुन लेना और पट 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 सुना देना, सुन भी दिया और फिर सुना भी दिया। ये सुनना सुनाने का फाउंडेशन भक्ति मार्ग का फाउंडेशन हो गया। ब्रह्मा बाबा को जन्म कौन देता है सती में, और यहाँ नित्य कौन कराएगा? ब्रह्मा बाबा को धारणावान के द्वारा नित्य बैठेगा कि पट 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 बोलने वाले का नित्य बैठेगा? ब्रह्मा बाबा खुद धारणा वाली आत्मा है, तो उसको नित्य बिठाने वाला कौन होगा? धारणावान ही होगा। राम और कृष्ण की आत्माएं दो हैं या एक आत्मा है? संगम में एक ही आत्मा है, वो ही राम है, वो ही कृष्ण है, वो ही शिव है। वो तो भक्ति मार्ग में जैसे कह देते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, सबको मिला के इकट्ठा कर दिया। तो ऐसे है क्या? राम वाली आत्मा अलग है, राम बाप को कहा जाता है, बाबा ने खुद मुरलियों में अंतर बताया, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, वो बच्चा बुद्धि का पाठ बजाती है, और राम वाली आत्मा बाप समझदार का पाठ बजाती है। तो दोनों में बहुत अंतर है, एक रचयिता है और एक रचना है, अलग अलग आत्माएं हैं, और शिव की आत्मा भी अलग है, एक ही शरीर में तीनों, फिर भी तीनों का पाठ अलग अलग है। बाबा माउंट आबू जो जाने का काम है 18 के पहले 18 का बाद अभी नहीं जा रहे हैं जाने वाले, अभी नहीं जा रहे हैं, अभी वहाँ मकान नहीं खरीद रहे हैं, जमीन नहीं खरीद रहे हैं, वहाँ जाके रह नहीं रहे। बाबा जाएंगे उसके बाद ना? बाबा नहीं, आपको कैसे मालूम बाबा जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अनुमान से नुकसान हो जाता है, अनुमान क्यों लगाते? बोलते है ना एक ट्रेन चलेगी बाबा। वो ठीक है, वो लास्ट में मजबूरी की बात है, जैसे यज्ञ के आदि में हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का अचानक जब बंटवारा हो गया तो हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हो गया शुरू, तो वो अचानक हुआ, अचानक जो झगड़ा हुआ उसमें मारकाट हो गई, उसमें जो पहली गाड़ी से निकलने वाले थे ट्रेन से वो निकल गए, जिनको पाकिस्तान कराची की तरफ जाना था पहली ट्रेन से वो निकल गए, बाकी जो दूसरी ट्रेन चली, दूसरी तीसरी ट्रेन चली, वो सब काट डाली गई। ऐसे ही फिर कुछ सजू का रूपा होगा। तो बाबा काठमांडू वाले तो ट्रेन से बहुत दूर बैठे हैं। काठमांडू वालों की क्या, काठमांडू की बुद्धि रहेगी तब तक बुद्धि अच्छी बुद्धि नहीं बनेगी, पार बुद्धि नहीं बनेंगे हैं, कठबुद्धि ही रहेंगे। आज ही तो वाणी में बोला कि जब अंत समय में आवेगा तो तुम बच्चों की ऑटोमेटिक आंख खुल जाएगी, तुमको अनुभव होगा कि अब अंत समय आ गया, ट्रंक काल आवेगा, आने वाले से तो आ रहा सब बच्चों को नहीं आएगा, जो बाप के बच्चे होंगे उनको ट्रंक काल आवेगा। उठो चलो बाबा, सभी बच्चों को कर दीजिएगा ना ट्रंक काल। बच्चों को 500 करोड़ पहुंच जाएंगे, फिर आपके लिए जगह रहेगी बेसिक वाले भी वहाँ पहुँच जाएंगे है, वहाँ पहुँचेंगे कान पकड़ के अलग करेंगे।
बाबा ये संगम जी विश्व महाराज महारानी सचिव में भी लक्ष्मीनारायण बने जो संगम युग स्वर्णिम युग है वो फाउंडेशन का युग है और जो सतयुग है वो फाउंडेशन का युग नहीं है। ज्यादा महत्व किसका है? फाउंडेशन का युग का महत्व है। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। कृष्ण वाली आत्मा साकार अपने शरीर से अंत नहीं कर पाती। राम जैसी आत्माएं जो हैं, वो इसी जीवन में इसी शरीर से इन्हीं आंखों से सारी सृष्टि का अंत देखेंगे। कितनी पावरफुल आत्माएं होंगी, साधारण आत्माएं नहीं है। और भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि शंकर कृष्ण को देखने गया संगम युग में, कब का? तो बच्चा है, बाप बच्चे को देखने नहीं जाएगा? जब बाप है तो बाप तो अपने बच्चे को देखने जाएगा ना? जाएगा। क्या बड़ी बात हो गई? कब? कब? आदि में। आदि में मैंने मतलब कब की शूटिंग है? संगम युग की ही शूटिंग है। कब तो बाबा? अरे इसका मतलब मुर्गियाँ पढ़ते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते अभी है। संगम युग कृष्ण के बारे में कुछ बताया कि नहीं बताया है? संगम युग कृष्ण और सत्य की कृष्ण, इन दोनों का अंतर बताया है कि नहीं बताया? बताया है। तो संगम युग कृष्ण है जब संसार में प्रत्यक्ष होगा तो बच्चा भी प्रत्यक्ष होगा या सिर्फ बाप ही प्रत्यक्ष होगा? बाप बच्चों के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। क्या बाप भी प्रत्यक्ष होगा और बाप के साथ बच्चा भी प्रत्यक्ष होगा? कृष्ण जयंती तो बाप की जयंती, बच्चे की जयंती तो बाप की जयंती, तो कब होगी है? तो फिर मैं पूछते गाय के लिए आपके मुख से मुख से सुनाया गया। हाँ जी ये दुर्गा भवानी ने है, दुर्गा भवानी ने महिषासुर को चंद्र मुंडा को माँ दादी है, कब की मिसाल है? अभी की मिसाल है। महिषासुर माने जो भैंसे की तरह आचरण करने वाला है, भैंस बुद्धि, जिसकी बुद्धि में ज्ञान के पॉइंट बैठते ही नहीं, ऐसी भैंस बुद्धियों को वो हनन कर देती है। ढेर प्रकार के असुर दिखाई है, एक ही बात, आसुरी दुनिया का विनाश बाप नहीं करते हैं, किसके द्वारा कराते हैं? असल संघारे की शक्तियां लाई गई। भैरव कहते हैं भयंकर, बाबा अपने पति को बाबा को बनाने के लिए क्या कुछ सर्च करना पड़ेगा? अमृत वेले बैठ करके सर्च लाइट दो, कुछ मेहनत करो है, कुछ नींद का त्याग करो। ये अलख को मिला अल्लाह, ये आदि का ही गायन है ना? अलख है कौन? अल्लाह तो कहा जाता है जो सबसे ऊंचा है, उसको कहते हैं अल्लाह। तो सबसे ऊंचा तो रामकृष्ण तो नहीं है सबसे ऊंचे। रामकृष्ण अगर सबसे ऊंचे होते तो फिर वो किसी को याद ही नहीं करते, लेकिन वो भी तो याद करते हैं ना। तो वो जिसको याद करते हैं वो ही अल्लाह है। और वो अल्लाह किसको मिला है? बे को नहीं मिला, बे को
यज्ञ की बादशाही मिल गई, लेकिन अल्लाह नहीं मिला। ब्रह्मा बाबा ने इतना ज्ञान उनके मुख से सुनाया शिव बाबा ने, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने बाप को नहीं पहचाना। पहचाना क्या? बाप को नहीं पहचाना, उनका पार्टी नहीं था। तो वो अलफ हुआ कौन? पहला नंबर, पहले अक्षर को कहते हैं अलफ। उर्दू में जितने भी अक्षर हैं उनमें पहला अक्षर है अलफ। अलफ महत्वपूर्ण है, नुक्ता उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसका महत्व तब है जब अलफ के साथ हो। कोई भी अंक हो, बिंदी का महत्व नहीं है। बिंदी का महत्व तब होता है जब कोई अंक रखा जाए, एक दो चार आठ, इसके ऊपर अगर बिंदी रखेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, नहीं तो नहीं तो कोई वैल्यू नहीं। तो ऐसे ही अलफ को मिला अल्लाह। जो अलफ है वो आत्मा है जो आदि में भी खड़ी हुई थी और अंत में भी खड़ी होती है, और मध्य में भी खड़ी हुई होती है। निश्चय बुद्धि होती है। आदि में भी जब शरीर छोड़ा तो बुद्धि में था, अलफ को मिला अल्लाह, वे बादशाही सारी भागीदार को दे दी। बाबा शरीर क्यों छोड़ना पड़ा है? शरीर क्यों छोड़ना पड़ा जब ज्ञान में इतने जरूरत, जब जरूरत पड़ती है तो सब कार्य किया जाता है। राम वाली आत्मा के लिए सौभाग्य की बात है या दुर्भाग्य की बात है कि फेल हो गया? जो पहले फेल हो गया वो पहले अनुभवी बन गया। और इस दुनिया में ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसको माया फेल न करती हो। ऐसा अहंकार कोई भी न करे कि माया हमको फेल नहीं कर सकती। तो फेल होने वालों में राम वाली आत्मा सबसे आगे गई, भले शरीर भी छूट गया तो भी। ब्राह्मणों का अगर शरीर छूटता है तो कोई घाटा हो जाता है क्या? है कोई घाटा नहीं होता। गीता में भी लिखा हुआ है ये पुरुषार्थ कभी व्यर्थ हो जाता नहीं, अगला जन्म लेकर के फिर वही ब्राह्मणत्व के संस्कार आ जाते हैं, वो ऐड हो जाते। बाबा ने भी कहा है, बाप का बड़ा बच्चा होता है घर से अलग हो जाए तो बाप उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उसे देता है या नहीं देता है? देता है। दादे की प्रॉपर्टी तो जरूर देनी पड़े। तो राम वाली आत्मा भी यज्ञ से अलग हो गई, लेकिन उसको उसकी प्रॉपर्टी ज्ञान बाण मिल गए, पुरुषार्थ रूपी धनुष मिल गया, जाओ मारो और खाओ। क्या धनुष चलाओ, बाण मारो और ज्ञान बाण मार मार करके सारी दुनिया को जीत लो। तो राम वाली आत्मा जो बड़ा बच्चा होता है घर में वो ज्यादा पावरफुल होता है, या जो छोटे भाई होते हैं ज्यादा पावरफुल होते हैं? बड़े में पावर ज्यादा होती है, इसलिए चाहे तो ज्यादा कमाई कर सकता है। इसलिए राम वाली आत्मा दूसरा जन्म लेकर के वो ज्ञान बाणों से पुरुषार्थ करती है, और उस पुरुषार्थ में वो लगातार विजयी होती चली जाती है। बाबा संगम युग में कृष्ण मक्खन चुराता है कि नहीं? बाबा क्यों नहीं चुराता है? मक्खन चुराया, गोपियों को भगाया, मुरली में तो बताया है ये सारी प्रजापिता की कहानी है। नाम रख दिया है कृष्ण का, ब्रह्मा बाबा का नाम रख दिया है, प्रजापिता का नाम उड़ा दिया है। यज्ञ के आदि में भी वही था और अंत में भी वही, अंत में भी वही होता है। बाबा चार लाख आत्मा लोग तो मधुबन में तपस्या करने के लिए जाते हैं, उसमें 4 लाख आत्मा को प्रवेश होता है, कब यूँ से यूँ आने के पहले या बाद में गर्भ में आता है? बर्फ को, बर्फ से हमारा शरीर का
खत्म होता है, संगम का होता है, उसको बाद 4 लाख आत्मा बच्चे लोग जन्म होने हैं या पहले में आता है मरने के समय? अभी ब्रह्मा बाबा जैसी आत्मा है, ब्रह्मा बाबा चंद्रमा है ना, और चंद्रमा को फॉलो करने वाले चंद्रवंशी बच्चे भी तो यज्ञ के अंदर हैं, तो वो चंद्रवंशी बच्चे अभी राम जैसे सूर्यवंशी आत्माओं में प्रवेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। ऐसे ही और वंश वाले भी प्रवेश करते रहेंगे। बर्फ की बात तो तब की है जब एटम बम फटे और एटम बम की गर्मी से समुद्र का सारा पानी भाप बन के ऊपर उड़े और मूसलाधार कई दिन तक बरसात हो, तो दुनिया का टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाएगा। जब दुनिया का टेम्परेचर ही बिल्कुल डाउन हो जाएगा तो सारी दुनिया में बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, उस बर्फ में सारी दुनिया दब जाएगी, सबको दबना पड़ेगा। जो जन्म देने वाले हैं उन सब के शरीर दब जाएंगे, आत्माएं कहां चली जाएंगी? परमधाम चली जाएंगी। फिर अपने अपने टाइम पर वो आत्माएं उतरती रहेंगी, जहां जहां बर्फ हटनी होगी वो बर्फ हट जाएगी और उनमें प्रवेश होता जाएगा। संकल्पों को जाम नहीं करेंगे तो बर्फ में दबना पड़ेगा। संकल्पों को जाम को कितने करेंगे? तो बर्फ में दबना मतलब शरीर छूट जाएगा क्या बाबा? मतलब आत्मा निकल जाएगी क्या? आत्मा को निकालने का भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं? अभी पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं? आत्मा को निकालने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब चाहे तब हम शरीर से बाहर हो जाएं और जब चाहे तब शरीर में प्रवेश कर ले। नहीं तो है ना, वैज्ञानिकों में थोड़े इतनी ताकत है कि अपने बनाए हुए एटम बम खुद फोड़ दें। वो खुद ही डरते हैं कि अगर हमने इनको फोड़ना शुरू कर दिया तो हम भी नहीं बचेंगे। धन्यवाद।